नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ गंगा घाट पर गुरुवार को सैलानियों का जत्था पहुंचा, जहां गंगा घाट पर भ्रमण करते हुए सैलानी अजगैवीनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पत्थरों की कलाकृतियों को देखते हुए सैलानियों ने प्रशंसा की। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सैलानियों के क्रूज गुरुवार की सुबह लगभग 11 बजे उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंचा, जो वाराणसी से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी। वहीं इसकी सुरक्षा को लेकर जिला और स्थानीय प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम समेत कई तरह की व्यवस्था की गई थी। सैलानियों का स्वागत भाजपा नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण ने पुष्पगुच्छ एवं पुष्प वर्षा कर की। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्राम रक्षा दल और पुलिस की तैनाती सुल्तानगंज अजगैवीनाथ गंगा घाट पर एवं चौक चौराहे पर की गई थी। रात में सुबह से कितना सुंदर नमामि गंगे घाट पे महिलाओं द्वारा आरती करके क्रूज से जैसे यात्री सैलानी उतरे, हमारे अतिथि महिलाओं द्वारा आरती किया गया, गुलाब फूल का पुष्प वर्षा किया गया और स्कूल की लड़की द्वारा स्वागतम का गीत गाया गया, भारत माता का जिंदाबाद किया गया और अंग वस्त्र से स्वागत हम लोग किए और गुलाब का फूल देखे और यहाँ पे पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण करके मंदिर में प्रवेश कराया गया और मंदिर पूरा फूल से सजा था, टीका लगाया गया, बड़ा सुंदर स्वागत हुआ, सब लोग खुश हैं, बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा स्वागत हुआ। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर से रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया, जिसमें 3 खपड़े का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस के रिसाव से अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में 3 मकान समेत घर में रखा नगद रुपया और सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं इसको लेकर पीड़ित हरिदास ने बताया कि उसने किसी जरूरी काम के लिए बैंक से 52,000 रुपया निकाला था और इस आगजनी में पैसा समेत जेवर भी आग की भेंट चढ़ गई। वहीं पीड़ित उमेश मंडल ने कहा कि उनका 42,000 नगद, लकड़ी काटने का 2 मशीन और बेटी के शादी के लिए रखा जेवरात भी आग की चपेट में आकर बर्बाद हो गया। बता दें कि सभी पीड़ित परिवार किराए की मकान में रहते थे और आग लगने से उन लोगों को लाखों की क्षति हुई है। हालांकि इस दौरान किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इधर आग लगने की सूचना पर पहुंची बबरगंज पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। सिलेंडर और आग लग गया। सिलेंडर सिलेंडर आप लाए थे? नहीं, हमारा भाई लाए थे। अच्छा, अब भपका, फिर आग फट गया। सिलेंडर फटा नहीं है। अच्छा, सिर्फ भपका भपका और पूरा आग लग गया। ज्यादा कोई घायल? कोई घायल तो नहीं हुआ? घायल कोई नहीं हुआ है सर, खाली संपत्ति नष्ट हुआ। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर लोगों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने का दावा तो खूब करते हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई उन्हें बड़ी सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की कमान संभालने के बाद तेजस्वी यादव ने कई सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही थी। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए सभी दवाइयां उपलब्ध हो, इसको लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था। वहीं इसी कड़ी में बात अगर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज की करें तो यहां हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होने के कारण अस्पताल की नर्स ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर नर्स का कहना है कि अस्पताल में हेपेटाइटिस बी का टीका काफी दिनों से नहीं है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को उन्हें वापस भेजना पड़ता है। साथ ही कहा कि इसकी जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार दास को भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक टीका उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा प्रदर्शन कर रही नर्स ने कहा कि अगर उन्हें अस्पताल में मरीजों के हित में जरूरी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई तो वे सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर काफी संख्या में मायागंज अस्पताल की नर्स मौजूद रही। सर, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोले अधीक्षक? सर बोले कि अभी उस पे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन 3 दिन पहले से ही ये सब सर को बताया जा चुका है, बट सर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हुए। सिर्फ बोल रहे की ट्रीटमेंट होगा, बट अभी तक तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आप लोग वैक्सीन की मांग की थी, क्या हुआ उसका? सर कुछ कन्फर्म नहीं किया हम लोग। वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन होता ही नहीं है। हाँ सर, ऐसा बोल रहे हैं कि इसका कोई वैक्सीन नहीं होता है, लेकिन ऐसा पता चला कि एंटीडोज इसका होता है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है सर, तो हम अभी और भी इसको आगे बढ़ाएंगे।
किस चीज की वैक्सीन मांग रहे हैं? क्या नाम हुआ? भागलपुर में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के राज्य और जिला स्तरीय सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने बताया कि वो सभी अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में भी 10 जनवरी को प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के सचिव से वार्ता भी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत नहीं हो सकी। साथ ही उन्होंने बताया कि सम्मेलन में भागलपुर के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव और जन वितरण प्रणाली दुकानदार के साथ बिहार के 38 जिलों के जन वितरण दुकानदार अध्यक्ष और सचिव भी शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन लोगों की मांग पूरी नहीं होने पर अगले 3 महीनों के अंदर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा बड़े पैमाने पर हड़ताल और प्रदर्शन किया जाएगा। सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और उसके साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। उसके अलावा अगर चौथे बच्चे की ओर जाए तो उठाकर दंपत्ति के कंपलसरी अनिवार्य रूप से नसबंदी और उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये भारत है, कोई धर्मशाला नहीं कि यहाँ हम 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके किसी को ये मौका दें कि वह देश के संसाधनों पर और वह देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से ऐसा कर सके। इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है और कल इसी विषय में यहाँ एक सभा होनी है और दक्षिण बिहार की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक भी उसके बाद होगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई। इस परीक्षा के लिए पहले से ही विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया था, जबकि स्नातक पार्ट 3 परीक्षा में करीब 35,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को ही परीक्षा में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के छात्र छात्राओं ने अपने विषय की परीक्षा दी, जबकि परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त रही। इस दौरान सभी परीक्षा सेंटर में परीक्षा और छात्र छात्राओं की जांच को लेकर व्यवस्था की गई थी, जिससे कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय का परीक्षा केंद्र भागलपुर TNV कॉलेज में पड़ा है, जहां मुंगेर बीबी के 3 छात्र को कदाचार करते पकड़ा गया, जिसके बाद उन परीक्षार्थियों को एक्सपेल्ड कर दिया गया। जो सिस्टम पहले से हमारे यहाँ बना हुआ है कि बच्चे को पहले तो सूचना दी जाती है कि आप अपने साथ न तो फोन लाएंगे न कोई चीट पुर्जा लेंगे। क्लासेज में जब आते हैं तो उनको फिर से एक बार कहते हैं कि देख लीजिए, आप अपनी जांच कर खुद कर लें कि किसी तरह से आपके पास जो है अवांछित कोई भी चीज़ नहीं हो, कोई चीज़ पूरी। एग्जाम के दरमियान एक्सपेल्ड भी किया गया? हाँ, आज से एग्जाम के दरमियान 3 बच्चे एक्सपेल्शन हुआ है उसका, तीनों मुंगेर यूनिवर्सिटी के थे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। मैं इंद्रदेव प्रसाद सिंह हूँ, मेरा घर खगड़िया जिला पसराहा है। मैं जो है यहाँ पर डायबिटीज़ का इलाज कराए, अभी फर्स्ट टाइम में जब पहले तो हम ये कराए एलोपैथ से इलाज कराए, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। अभी फर्दर टाइम में जो है ये डॉक्टर AK राय के निकट से डायबिटीज़ का इलाज कराए, तो एक सप्ताह में जो है फर्स्ट टाइम में जो एक सप्ताह जो हुआ और उसके बाद से जो हमको परिवर्तन आया, काफ़ी बेनिफिट आया और अभी हमारा रोगी ठीक है। और 3 महीने के बाद भी दवा खाए, पहले खाए उसके बाद जो है अभी रेस्ट ले लिए हैं, लेकिन स्थिरांक में है। मैं 1 महीना से तो दवा नहीं खा रहा हूँ, लेकिन जो है ये डायबिटीज़ का जो है पोजीशन सब कुछ खाने के बाद भी अभी ठीक है। इस इलाज पर विश्वास है, गर्व से मैं कहता हूँ कि मुझे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं क्या कहूँ, इसी तरह आप लोग सेवा में आए और इस सेवा का लाभ लें। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से हैं। हमको शुगर लमसम 3 साल से था। 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं, लमसम लगातार 5-4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद। शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ आने के बाद अच्छा लगा।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के मोहद्दीनगर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति काफ़ी जर्जर है, जिससे वहां आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर वहां के लोगों का कहना है कि दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी बड़ी आबादी निवास करती है और वहाँ विधायक कोष से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि अस्पताल की इतनी जर्जर स्थिति है कि ना तो यहाँ दवाइयाँ मिल पाती है, ना ही डॉक्टर ही मिलते हैं। साथ ही यहाँ 10 बेड का अस्पताल बनाने की मांग करते हुए कहा कि अस्पताल में BDS डॉक्टर नियुक्त किए जाए, जिससे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही कहा कि अस्पताल में सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्हें मायागंज अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। कहते हैं कि यहाँ MBBS डॉक्टर 24 घंटे का हो और 10 बेड कम से कम बने, ताकि यहाँ के गरीब गुरुओं को, यहाँ की जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्या परेशानी है इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। दक्षिणी क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ 24 आवर्स यानी 24 घंटा हॉस्पिटल का मांग करते हैं, हम 10 बेड का मांग करते हैं। लेडीज लोग को डिलीवरी कराने में परेशानी, दवाई इलाज का परेशानी है, डॉक्टर बैठता नहीं है, हम लोग को मायागंज जाना पड़ता है। भागलपुर में नशा और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। बुधवार की देर रात शहर के तातारपुर और तिलकामांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नशे का धंधा करने वाले पप्पू सोनार सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस को देखकर नशे के कारोबार से जुड़े कई धंधेबाज वहां से फरार हो गए। इधर छापेमारी के दौरान पुलिस ने काफी मात्रा में कफ सिरप और नशीली दवा बरामद किया। बता दें कि भागलपुर पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले एक नशा कारोबारी को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर बीती देर रात भागलपुर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से नशे का धंधा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बुनकर संघर्ष समिति की ओर से 36वां बुनकर शहीद दिवस का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस दौरान चंपानगर गोलंबर चौक स्थित मदनी नगर मैदान में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के तैलचित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम में बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर अपनी बात रखी गई। इस संबंध में संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजाहत अंसारी ने कहा कि 19 जनवरी 1987 को बिजली आंदोलन को लेकर हुए पुलिस की वर्वरता के चलते गोली चलने के कारण 2 बुनकर शशि एवं जहांगीर की मौके पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। साथ ही कहा कि इसी दौरान DSP मेहरा कांड की घटना भी घटी थी और बुनकरों की याद में आज के दिन को हर वर्ष बुनकर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुनकर शहीद दिवस कार्यक्रम में डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, डॉक्टर वीना यादव, डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, जियाउर रहमान, पप्पू यादव, डॉक्टर पृथ्वी शेखर के अलावे काफी संख्या में बुनकर बुद्धिजीवी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज शहादत दिवस के मौके पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारा मांग है कि हम बुनकरों का जो शोषण होता है, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय उद्योग का मुकाम मिला है हम बुनकरों को, लेकिन हमारा शोषण हो रहा है। इस शोषण से मुक्त होने के लिए हम एक विशाल आम सभा के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि आप संघर्ष करें और सरकार से अपनी मांगों को मनवाएं, ताकि आज जो क्या हो रहा, बुनकरों के नाम पर अनेकों योजना चल रहा, लेकिन वह योजना में कहीं बुनकर को कोई लाभ नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लेने वाले थांगटा के खिलाड़ियों के लिए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लेने वाले थांगटा के खिलाड़ियों को सफल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होगी, जिसमें बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन नेशनल फेडरेशन के द्वारा किया गया था और इन खिलाड़ियों को 13 से 31 जनवरी तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें कहलगांव NTPC संत जोसेफ स्कूल के 3 और नाजरेत अकादमी मुकामा के 2 छात्र छात्रा शामिल है। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय कोच विकास कुमार झा और सुबोध कुमार यादव के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि ये सभी खिलाड़ी
8 से 10 फरवरी तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।